सुपर सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मथुरा द्वारा गोवर्धन स्थित चंद्र गार्डन में आगामी 20 फरवरी को एक विशाल निशुल्क कैंप का आयोजन होगा, जिसमें मथुरा सहित दिल्ली मुंबई से आए डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परामर्श और उनका इलाज किया जाएगा। वहीं मरीजों की होने वाली जांच भी फ्री में की जाएगी। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुकेश सैनी ने बताया कि इस शिविर में माइग्रेन, रीढ़ की हड्डी के इलाज और लकवा, फंगस, हाथ पैर में झंझनाहट आदि का इलाज सफल विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों से भाग लेने की अपील की। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल वाटी है, न्यूरोसर्जन, सिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा मथुरा। हम जो शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यह गोवर्धन में हमारा जो शिविर है, ये चंद्रा गार्डन बरसाना रोड गोवर्धन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो सभी बीमारियों का निःशुल्क समाधान किया जाएगा और चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा, जिसमें हम कुछ लैब टेस्ट हैं जो फ्री में किए जा रहे हैं और कुछ टेस्ट जो है रियायती रेट पर किए जा रहे हैं। और इस हमारा मेन उद्देश्य, जो इस कैंप को लगाने का मेन उद्देश्य यह है कि आज की डेट में जो पहले बीमारियों का इलाज मथुरा में संभव नहीं था, जिन बीमारियों के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, तो उसके लिए जागरूकता, हमारा जागरूकता को फैलाना है अपने इस जनपद में, अपने इस एरिया में। दूसरा यह कि पहले क्या है, मरीज आगरा जाते थे, जयपुर जाते थे और फरीदाबाद जाते थे और वहाँ तक पहुँचते नहीं थे, रास्ते में ही दिक्कत आ जाती थी। और मेरे आने के बाद भी काफ़ी ऐसे मरीज मैंने देखे हैं जो लेट पहुँचने की वजह से जिनको हम जान नहीं बचा पाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि सीरियस मरीजों के लिए और सीरियस बीमारियों के लिए, उनके लिए सिटी हॉस्पिटल आप पहुँचिए और हम उस चीज़ के इलाज के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से और बाकी आपके संतुष्टिपूर्वक इस इलाज को किया जाएगा और समय समय पर आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। किस तारीख को है कैंप? जो कैंप है हमारा 20 फरवरी को है और कैंप आपके ही क्षेत्र में है, गोवर्धन के ही अंदर है कैंप, बरसाना रोड पर चंद्रा गार्डन में कैंप है, 20 तारीख को सुबह 10 बजे। डॉक्टर साहब बताएं, ये शिविर है जो चिकित्सा शिविर, कब है और क्या उद्देश्य है इसका? जी, मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज, सिटी सुपर स्पेशलिटी मथुरा से हूँ और हमारा ये कैंप निःशुल्क परामर्श कैंप है। 20 फरवरी को लगाया जा रहा है चंद्रा गार्डन गोवर्धन में। इसमें न्यूरो संबंधित एवं सामान्य रोग संबंधित सभी परेशानियों का परामर्श निःशुल्क दिया जाएगा। उसके अलावा पेशाब की एवं खून की जाँच निःशुल्क की जाएगी। और यह हमारा द्वितीय कैंप है, इससे पहले भी हम एक बार जो है नगर पंचायत में, जो ग्रामीण क्षेत्र में आप शिविर लगा रहे हो चिकित्सा का, इसका उद्देश्य क्या है? इसका देखिए, मेन उद्देश्य तो यही है कि जो गंभीर मरीज हैं, जैसे दिमाग वाले मरीज हैं, रीढ़ की हड्डी के, नस के, या गंभीर परेशानी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक के, ये मरीज उचित परामर्श न मिलने की वजह से इन्हें दूर जाना पड़ता है। तो अब यह सारी सुविधाएं सिटी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पर सभी जो है वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी रहती है। तो उन्हीं के दौरान कुछ मरीज वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कारण से, तो उनको उन्हीं की जगह पे आकर हमारी तरफ से परामर्श देने की, निःशुल्क परामर्श देने की जो है दी गई है। और भविष्य में भी इस तरह के हम कैंप जो है अलग अलग स्पेशलिटीज को लेकर भविष्य में लगाते हैं। पहले भी कभी शिविर लगाया है? अभी बता रहे थे डॉक्टर, हाँ, पहले भी जो है शिविर में जनरल फिजिशियन कैंप जो है और बच्चों के लिए भी हमने कैंप लगाया था, साथ में रक्तदान शिविर कैंप भी लगाया था। ये जो पंचायत है वहाँ लगाया था, नगर पंचायत ऑफिस में लगाया था। और हमारी अपेक्षा यह है कि भविष्य में भी अपने क्षेत्र के बार बार यहाँ पर कैंप की व्यवस्था करते रहें। डॉक्टर साहब, जो गोवर्धन में शिविर लगाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, इसका क्या उद्देश्य है, क्या फायदे होंगे लोगों को यहाँ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन के अंदर अभी जो है शिक्षा का, वो चिकित्सा का जो अभाव है, उस चिकित्सा के अभाव की वजह से न जाने कितने बेजानों की जान चली जाती है। उस कंडीशन में आज सिटी हॉस्पिटल हमारे साथ पूरे तहे से खड़ा हुआ है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं देना चाहता है, जो एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में मिलती है, और इसी वजह से आज यहाँ पर ये इनका द्वितीय कैंप है। पहले इन्होंने जो है गोवर्धन नगर पंचायत में एक रिक्त शिविर और जनरल फिजिशियन के तहत किया था, वहाँ पे भी काफी लोग प्रोत्साहित हुए और उनको अच्छा लगा। उसी डिमांड के अनुसार जो दूसरा ये द्वितीय कैंप आज चंद्रा गार्डन 20 फरवरी 2020 में जो है गुरुवार को। डॉक्टर साहब, अब इस शिविर में मतलब किस तरह बीमारी के लोग आ सकते हैं दिखाने के लिए? इसमें अधिकतर जो है जनरल फिजिशियन भी के तहत नॉर्मली जो पेशेंट है वो भी आए, और एक क्रॉनिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं,
नस से, रीढ़ की हड्डी से, या कहीं भी बोन फ्रैक्चर, दिमाग के मरीज हैं, या साइको के पेशेंट हैं, लबुआ के मरीज हैं, तो वो सभी प्रकार के जो है पेशेंट यहाँ पे आके अपना उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और ग्रामीण लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।